मुझे लगाई थी भाई, निकल गया। तो भाई ये हो गया बर्बादी का आलम कि जो था वो जा चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। इस बंदे की देखो जान बच गई, लेकिन ये बोल रहा है भगवान को कि हमारी थोड़ी सी खुशी देखी नहीं गई। अरे भाई तुम्हारी जान छोड़ दी काफी नहीं है क्या? लोगों को देख लो कितना पैसे का लालच है। इसी ईयर में कि चलो कुछ होगा, किस्मत जोर मारेगी, किस्मत ने जोर मार दिया भाई। और हालत देखो, कैंपिंग छोड़नी पड़ी, कॉटेज भी छोड़नी पड़ी और निकल गए हम तो भाई। अब दूर से खड़े हो गए आलम, बर्बादी का आलम देखेंगे। तो भाई आखिरी उम्मीद थी कि चलो जो भी होगा घर तो निकल जाएंगे, अब वो उम्मीद भी कह गई है। वो देखो सामने, इधर देखिए, ये देखिए। अब बेटा तेरी जान नहीं बचेगी, अभी तो बची हुई थी, अब वो भी नहीं बचेगी। खत्म हो गई कि हम घर भी जा सकते हैं। हाँ तो अब समझ में आई, और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, और लालच कर ले। नदी ने अपना रूप बदला है थोड़ी देर के लिए। ये देखो यहाँ से डेड हो गई, आगे देखो क्या बना दिया उसने, पूरा रास्ता ही बदल दिया अपना, ऐसा बदल दिया भयंकर तरीके। देखो टेबल के नाम पे ये बचा है, बैठने के नाम पे कुछ नहीं बचा। कैंप के वो तो भाग के ही थे सारे, अब तो मैं सिर्फ कोटेज देख के आ रहा हूँ कि कोटेज में। इस वीडियो में आपको ये बोल रहा है बंदा कि एक्चुअली ये लोग ना कहीं से पैसा कमा के वहाँ टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं मनाली में, इधर उधर शिमला में, और लोगों को बहुत लूटते हैं। इन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया हुआ है, वहाँ पे होटल बना बना के, वहाँ पे लैंडस्लाइड तभी हो रही है कि ये लोग लालच के लिए कर रहे हैं सब कुछ, बहुत पैसा कमाने की आग लगी हुई है लोगों को। तो वो ही रो रहा है, ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया, मेरा वो खराब। भाई तुम लोगों ने सारा सिस्टम बिगाड़ा है। ये मैं ये बोल रही हूँ कि ये तुमने वहाँ जाकर टूरिस्ट प्लेसेस बना दिए सारे पहाड़ों पे, लालच के चक्कर में गंद मचाते हो वहाँ पे। मैंने अभी भी देखा था, ये खाना बनवा रहा था गाड़ी में और कूड़ा धड़ाधड़ फेंक रहे थे। ये कार में बैठे हैं अपनी, इनका होटल बह गया, अब कार को छोड़ के इनको जाने को मन नहीं कर रहा कि कहीं हमारी कार को कोई डैमेज ना कर दे। वही पड़े हुए हैं 3 दिन से। अब आप देख लो कितना लालच है इंसान को पैसे का, कि अपनी जान तक को दाव पे लगा देता है। ये अपने घर अब गया, ये 3-4 दिन के बाद रास्ते बंद थे, लेकिन ये गाड़ी के चक्कर में वहां रुका हुआ था। तो मैं यही बता रही हूँ कि भाई लालच, इतना लालच पैसे के लिए। देखो तुमने कमाया, शिवजी ने ले लिया आपसे सावन में, क्यों लिया, कोई रीजन होगा। तो इतना लालच करना अच्छा नहीं होता है मेरे हिसाब से। बहुत लालच आया हुआ है, इतनी गाड़ियां हैं सड़कों पे जो पार्किंग की जगह भी नहीं है, तो भी लोग गाड़ी पे गाड़ी खरीदते जा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं हम भी घुसा के खड़े कर देंगे कहीं पे जहाँ लोगों की खड़ी है, जहाँ दाव लगता है घुसा के खड़ी कर दो गाड़ी। ये कोई तरीका तो नहीं है जीवन जीने का। इंडिया में ऐसा माहौल हुआ हुआ है कि जैसे खींचातानी मची हुई है, मैं ले लूँ और मैं ले लूँ, उसके पास ज़्यादा पैसे कैसे आ गए मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी कैसे आ गई मेरे पास क्यों नहीं है, होड़ मची हुई है। और बहुत बुरा हाल होगा इंडिया का, बहुत बुरा हाल होगा अगर यही सोच रही ना। अपने देश को बर्बाद कर रहे हो आप लोग, बर्बाद। किसी को कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर नेता से लेकर नीचे तक किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई मरता है मरे है, कोई अपना किसी का नुकसान हुआ है होए, हम ठीक रहने चाहिए बस। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है यहाँ पर, किसी को कंट्री की कोई फिक्र नहीं है। बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी मोदी, चाहे पैसा लुटा रहा है उसको, हम तो मोदी के भक्त हैं जी, हम तो कट्टर बीजेपी के हैं जी, हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं जी, कांग्रेस ही बचेगा है। राहुल गांधी को कुछ समझते नहीं, कांग्रेस के टाइम में फिर भी ठीक था,
बीजेपी ने तो लूट के खा लिया देश को, बर्बाद कर दिया। और केजरीवाल भी अभी कुछ नहीं कर पा रहा, कर रहा है फिर नहीं करने देते, फिर वो पता नहीं उसके नीचे जो नेता है वो सारे कांग्रेस के आ गए, कोई बीजेपी का घुस गया अंदर है, ऐसे करते करते करप्ट हो जाती है पार्टी। तो नीचे के लोगों पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, कुछ कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर पुरानी राजनीति पे पहुँचा दी है बीजेपी ने, 100 साल पुरानी राजनीति, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो, पैसा कमाओ। ये अंग्रेज करते थे ये काम, ये वही नीति अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, आपको लूट रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, आप आपस में लड़ते रहो, वो तो पैसा अपना बाहर भेज रहे हैं विदेश में, आप बीजेपी करते रहो, मोदी जी तो अपना पैसा, उनके बच्चे नहीं है तो भी पैसे का लालच है उनको, ना बीवी है ना बच्चे हैं तो भी पैसा बाहर जा रहा है अडानी के रूप में। अब देखते जाओ आगे आगे क्या होता है, दो वोट और दो, बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, किसी भी, मैं ये कहती हूँ किसी को वोट मत दो, अपना नेता खड़ा कर लो ना, तुम चला के दिखाओ देश, जो पार्टी एग्जिस्ट करती है, जो लड़ रही है आपके लिए, उसी को तो वोट करोगे ना, या अपनी पार्टी बनाने की हिम्मत है तो बनाओ, मैं तो कहती हूँ बनाओ, जो कोशिश कर रहा है उसको तो आगे बढ़ाओगे ना, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है फिर भी कुछ कर रहा है ऐसे माहौल में, तो वो आप डिसाइड करो। देखो मेरे को तो यहाँ का कुछ हाल नज़र नहीं आ रहा कि कुछ अच्छा होने वाला है। इंडिया सबसे पीछे है पॉपुलेशन में, सबसे आगे है पूरी दुनिया में, इस टाइम सबसे पीछे है इंडिया, ये आप लोग मानना नहीं चाहते हो। ये हमारा भारत महान कहने से कुछ नहीं होने वाला, जितना मर्जी बोल लो, जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेन बेसिक चीज़ है वो सुधरेगी नहीं, उसमें आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा, सब लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, लेकिन जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का, बहुत हालत ख़राब है। अभी देखते जाओ क्या क्या होता है, अभी तो लैंडस्लाइड्स हो रही है ना पहाड़ों पे, बाढ़ें आ रही हैं, अभी बहुत कुछ होगा यहाँ पे, जो हालात है ना मैं देख रही हूँ, गाड़ियाँ हर जगह, कोठियाँ, ईंटों के मकान, कोई प्लांट्स नहीं है, तो उसका हाल तो बुरा होना ही। लोग बाहर के देशों में लोग पागल है ना, वहाँ की गवर्नमेंट पागल है, जो पॉल्यूशन को हटाने के लिए इतना कुछ कर रही है, इतना कुछ करते हैं वो। चाइना भी आपसे पीछे रह गया, चाइना की बुराइयां करते थे, चाइना भी पीछे रह गया पॉपुलेशन के मामले में, वहाँ पर इतने लोग नज़र नहीं आते जैसे यहाँ थूके फेंकते रहते हैं सड़कों पे, वहाँ पे ऐसा काम नहीं होता एटलीस्ट कि थूके फेंके सड़कों पे, इतने बिहारी घुसे हुए हैं जो बहुत गंद मचा रखे हैं इन लोगों ने। और हर नागरिक का ये फर्ज है, उसकी जिम्मेवारी है कि जब भी किसी को थूकते हुए देखे उनको टोको, क्या आपको अच्छा लगता है आपका पैर थूक के ऊपर पड़ता है, उसमें कितने जर्म्स होते हैं। तो सबको पहल करनी पड़ेगी, खाली एक जने के करने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आती यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही। आपकी कंट्री है भाई, जैसा मर्जी उसको आगे, आपके बच्चे हैं उनका भविष्य देखो कैसा होता है, सब तो विदेश जा नहीं पाएंगे, कैसे चलेगा आप कुछ सोचो। तब तक सब्सक्राइब करते रहो मुझे, मैं आपको अच्छी से अच्छी न्यूज़ देती रहूँगी क्या चल रहा है हमारे देश में।